हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी, जिसके लिए मैंने लिया है 700 ग्राम चिकन। इसके साथ ही मैंने लिया है 700 ग्राम बासमती राइस। आपको चिकन को सबसे पहले हमें मैरिनेट करना है और राइस को जो है हमें 2 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें अब हम डालेंगे टर्मरिक, सॉल्ट, यह है भुना हुआ जीरा पाउडर ग्राइंड किया हुआ, यह है मिक्स गरम मसाला, ये भी भुना हुआ है, उसके बाद जो है ग्राइंड किया हुआ है, इसे हम डालेंगे लगभग 1.5 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, ये है आपका अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, पुदीना, हरी धनिया। अब हम इसमें डालेंगे फ्राइड ओनियन, थोड़ा सा सरसों का तेल। मैरिनेट के बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे फ्रिज में रेस्ट करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे। दही ऐड करके इसको हम फिर से आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे। अब हम राइस को बनाने के लिए सबसे पहले पानी को बॉयल करेंगे। पानी को बॉयल करने के बाद उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम डाल देंगे बॉयल होने के लिए, जिसमें कि है धनिया पत्ती है, ये लौंग है, ये जो है सूखी धनिया है, और ये छोटी इलायची है, काली मिर्च है, जीरा है, पुदीना है। इन सबको हम पानी में डालकर बॉयल करेंगे। चावल को हमें 15 से 20 मिनट के लिए बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद इसे हमें छान लेना है। बिरयानी की लेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बर्तन को गर्म करेंगे, उसमें हल्का सा तेल डाल करके चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। अब हम फ्लेम को बंद करके इसमें सबसे पहले चिकन की लेयर लगाएंगे। हमारी लग गई है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर राइस डालेंगे। इसके ऊपर हम फ्राइड ओनियन, पुदीना और धनिया की पत्ती डालेंगे। उसके साथ ही हम थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे पूरे राइस के ऊपर, और इसके बाद हम इस पर साइड में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं डालना आपने, थोड़ा थोड़ा डालना जगह जगह। इसके बाद हम इसमें ग्रीन चिली लगा देंगे जगह जगह पे। अब इसे कवर करके हम 8 मिनट हाई फ्लेम पे, उसके बाद 25 मिनट लो फ्लेम पे कुक करेंगे और हमारी बिरयानी बनके तैयार हो जाएगी। सब कुछ डालने के बाद अब हम इसे कवर करके हाई फ्लेम पे 8 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को लो करके 25 मिनट के लिए और इसे पकाएंगे।